नमस्कार, बिंदु भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति आई। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नवनिर्मित मंडी में बने सुलभ पर लगे ताले पर देखिए भक्तों ने कैसे बचाव किया। समय स्वच्छता अभियान की पोल खोलती रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपको लेकर चलेंगे रीवा की मंडी और वहाँ दिखाएंगे स्वच्छता का आलम, साथ ही मंडी में रहने वाले कुछ लोगों से बात भी करेंगे। तो आइए चलते हैं रीवा के मंडी परिषद, जहाँ पर विंध्य भारत की टीम लोगों से बातचीत कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ मंडी में। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूँगा। आज हमारी टीम ने तय किया था मंडी चलेंगे। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये गंदगी का आलम है। यहाँ पर हफ्तों से इसको देख कैसा लग रहा, हफ्तों से सफाई नहीं हुई। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। ये लखपति कछवाहा। ये जो गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, जहाँ पर आप लोग बैठते हैं, यहाँ पर काफ़ी अरसे से दुकानदारी कर रहे हैं, ये कब से नहीं हटी और क्या चाहते हैं आप? अभी तो जिस समय अभी संपूर्ण दुकानें मार्केट बन गई थी, अभी माननीय पूर्व मंत्री जी भी आए थे, कलेक्टर साहब सभी थे उस समय, तो बड़ी सफाई हुई, अच्छा लगा। लेकिन जब से होगा होने के बाद तो अब ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ पे तो झाड़ू लगना भी बंद हो गया। कुछ तो लोग झाड़ू लगा देते वहीं वहीं और चले जाते हैं। अब ये तब देखिए पड़ा हुआ है, हफ्तों से कोई आने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्या किया जाए। हफ्तों से कोई आया नहीं ना कोई देखने वाला है। मंडी तो बना दी गई, लेकिन मंडी जिस तरीके से अभी यहाँ पर सन्नाटा है, मंडी में अभी दुकानदारों को नहीं दी गई। साफ तौर से सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर गंदगी की है। साफ तौर से माना जा सकता है जब अधिकारी कर्मचारियों के आने का वक्त होता है, खासतौर से कलेक्टर या यहाँ के जो बड़े नेता हैं वो जब आते हैं तो सफाई हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की सफाई नहीं। शायद यही वजह है समग्र स्वच्छता अभियान में हमारा नंबर कहीं नहीं लगता। आइए कुछ आगे का सफर तय करते हैं, आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। अभी आपको हमने दिखाया मंडी में गंदगी, साथ ही यहाँ की जो एक दूसरी समस्या, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे ये दुकानें अधूरी हैं। इन दुकानों का सबसे बेहतर इस्तेमाल यहाँ मंडी में रहने वाले लोग कर रहे हैं। वजह आपको दिखाऊं, बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी वजह है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय साफ तौर से दिखाई दे रहा सुलभ कॉम्प्लेक्स। सुलभ कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन गेट में ताला लगा है। अब आप सोचिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स बंद है, गेट में ताला लगा है, तो यहाँ जो ये लोग खड़े हुए हैं, ये लोग सुलभ कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या सोचते हैं? ये सुलभ कॉम्प्लेक्स खुल जाए तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये बताइए। सुलभ कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या है आपका? सुलभ कॉम्प्लेक्स खुल नहीं रहा है, इस वजह से बाथरूम हमें बगल में जाना पड़ रहा है। सुलभ कॉम्प्लेक्स बना तो दिया गया है, पर उसका कोई हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे आप? ये यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, जगह जगह पर पेशाब लोग बाग कर देते हैं, जिससे मानव पर बहुत दुष्ट प्रभाव पड़ेगा। तो सुना आपने, साफ सफाई के तमाम दावे, समग्र स्वच्छता अभियान की पोल खोलती यह तस्वीर, साफ तौर से ये जाहिर करने में। अब आपको मैं कुछ बोलूं उससे ज़्यादा बेहतर, एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊं। यहाँ पर डे कितने लोग आते होंगे मंडी में? 4 से 5 हज़ार लोग डेली आते हैं। 5 हज़ार लोग जिस मंडी में पर डे आते हों, उस मंडी में एकमात्र सुलभ शौचालय और उसमें भी गेट में ताला लगा हो, तो इससे आप सोच सकते हैं समग्र स्वच्छता अभियान की क्या है हकीकत। सुलभ के ठीक पीछे यहाँ पर जिस तरीके से अभी होलसेल मंडी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लोग होलसेल का काम कर रहे हैं, साथ ही जो दुकानें। अभी वो एक सज्जन भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आपसे बात करनी है। जैसा कि अभी आपने देखा एक भैया इधर आइए, इधर आइए। जो अभी दुकानें बनी हुई हैं उन दुकानों से अभी अधूरी है। अभी आप उस दुकान में क्या कर रहे थे? साफ कर रहे हैं। क्यों? क्या बगल में, ठीक बगल में सुलभ कॉम्प्लेक्स बना? भैया जरा किनारे होइए, चालू नहीं है। बगल में सुलभ चालू नहीं है अभी, वो चालू नहीं। क्या कहेंगे आप, आपके ठीक पीछे कहाँ जाते हैं आप लोग सुलभ में? अभी तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। इसमें क्यों नहीं जाते? इसमें सर अभी हम लोग जाए हो गए, पहले उसमें जाते थे तो अपन उसी में जा रहे हैं अभी भी। हम आगे हाल इकट्ठे का मत देते नहीं है, कहते हम अपने आदमी का देते।
हाँ बताइए, आप उस वाले में आदत पड़ी इसलिए वहाँ जाते हैं? अपन उसमें हमेशा जा रही है, अभी न्यू चालू हुआ है। तो क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुशवाहा। ये थे धीरेन्द्र कुशवाहा, जिनका साफ तौर से कहना था मेरी आदत दूसरे सुलभ शौचालय में जाने की बनी, इसलिए हम वहीं जाते हैं। इस सुलभ शौचालय में जाने की हमारी आदत नहीं है, इसलिए हम जाते हैं। हालांकि इनकी दुकान ठीक सुलभ शौचालय के पीछे है। अब उस जिस सुलभ शौचालय में ताला लगा हो अभी तक खुला नहीं, वो ये कह रहे हैं कितना बढ़िया बचाव इनने किया कि साहब हमारी आदत पड़ी हुई इसलिए हम दूसरे में जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, जब इस तरीके के लोग रहेंगे तो यहाँ पर कुछ भी करिए सब सही है। बताइए, दीपक सिंह कुशवाहा। हाँ, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक सिंह जी, ये एक शानदार आपकी दुकान के बाहर ये कचरे का ढेर, क्या कहेंगे, कब से नहीं हुई? यहाँ तक झाड़ू लगता है, यहाँ के बाद यहाँ कहीं नहीं लगता। क्यों? पूछिए सिकेट्री साहब से। अरे आप तो बताइए, आपकी सिकेट्री साहब कहते हैं कि लगेगा, लगता ही नहीं। वजह जब वही जाने सब्जी बस लेने आते हैं तो झोला लेके फुल हो जाते हैं, लेकिन कचरा नहीं खाली। क्या सब्जी के पैसे नहीं देते क्या? वो एक रुपए कहीं नहीं देते, पूछ लीजिए पूरे दुकान। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, क्या नाम है यार सिकेट्री साहब? शुक्ला जी बोलते हैं वैसे। क्या नाम है शुक्ला जी का? नहीं पता नाम है, नहीं यार क्या नाम है। मंडी के अंदर कोई शुक्ला जी है, नाम पूरा तो इन लोगों ने नहीं बताया। उनका साफ तौर से कहना, इस गली में आते अपना झोला भर लेते हैं, लेकिन सफाई की जब बात करो तो ध्यान नहीं देते। मंडी में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? देवमुनि। देवमुनि जी, ये बताइए आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या झाड़ू नहीं लग रही है। क्यों, कब से नहीं लगी झाड़ू? झाड़ू जब से मंडी बनी है, जब से मंडी बनी है यहाँ पर, जब कलेक्टर साहब आते हैं कभी, जब से मंडी यहाँ बनी, जब कलेक्टर साहब कभी दौरे में रहेंगे तो दो चार दिन पहले लग जाते साहब। हाँ, उसके बाद कभी नहीं लगी। और दूसरी बात, आज 5 साल बीत गए, अभी तक दुकान हैंडओवर नहीं की गई, जिसमें यहाँ पैसा 2 लाख रुपए जमा किए, 3 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार कुशवाहा। 10 साल हो हमारे साथ रजनीश जी मौजूद हैं, जिनका साफ तौर से कहना है 2 लाख रुपए मैंने 2 साल पहले जमा किए थे। 2 साल नहीं, 5 साल। 5 साल पहले जमा किए थे, दुकान अभी तक नहीं मिली, गंदगी का आलम। कलेक्टर रीवा जब इस गली में आते हैं तो यहाँ सफाई हो जाती, उसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की सफाई नहीं होती। जैसा कि आप लगातार देख पा रहे होंगे, हम मौजूद हैं नवनिर्मित मंडी में। हमने सोचा था मंडी का उद्घाटन हो गया, सब कुछ बेहतर तरीके से हो गया, एक बार मंडी का नज़ारा जरूर लिया जाए। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्या है यहाँ गलियों में कचरा, सफाई नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ आज 5 साल पहले मंडी नीलाम हुई, हैंड ओवर दुकान नहीं की गई। तीसरी समस्या ये है कि पब्लिक जब रोड में लगाती है तो उसको निकलने आवागमन में दिक्कत आती है, खटिक कर दे हैं। तीसरी समस्या वहाँ पे है, हम लोग को चाहिए शेड में जगह क्यों नहीं मिली? शेड में बड़े व्यापारी, बड़े व्यापारी लिए हैं, छोटे शेड में बड़े व्यापारी मिले। आपका नाम क्या है? और आप? मेरा नाम इंद्रदेव कुशवाहा है। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? नहीं, हम बिंद्र क्षेत्र किसान यूनियन अध्यक्ष। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम किसानों का माल बेचते हैं, हमारे किसान के जो सेट है सेट खाली नहीं हो रहा, ये समस्या है। हम लोग यहाँ रोड में, किसने कब्जा किया सेट में? सेट में जो है तो ट्रेडर्स वालों ने, ट्रेडर्स वालों को। हाँ, तो आपने और जो शिकायत किए थे डीएम साहब से, लेकिन वो खाली नहीं हुआ। किसान और जो सचिव हैं उन्होंने उनको दे रखे हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि जैसा कि एक पीछे शेड बना हुआ है, उस शेड में इनको जगह चाहिए, वो जगह इनको नहीं दी गई, किसानों को नहीं दी गई। तो यह इन लोग की मजबूरी में यहाँ सड़क में ये लोग अपनी दुकानदारी करते हैं, और जब सड़क में दुकानदारी करते हैं तो सफाई यहाँ पर तभी होती है जिस दिन कलेक्टर का यहाँ पर दौरा होता है। ये इस तरीके से साफ तौर से इनका कहना था, मंडी पर तरह तरीके के आरोप। यहाँ मंडी का इंचार्ज कौन है? इंचार्ज जो है तो सचिव। सचिव का क्या नाम है? क्या नाम है बता दीजिए? विष्णुकांत शुक्ला। चलिए, काफ़ी खोज खबर के करने के बाद मंडी के सचिव का आखिर नाम हमको पता ही चल गया, जिनके बारे में इस रोड में के लोगों ने हमसे कहा था। यहाँ आते हैं, झोला लेके आते हैं, सब्जी भर के ले चले आते हैं, सब्जी का पैसा भी नहीं देते और यहाँ पर सफाई भी नहीं करने देते। कुछ इस तरीके से आरोप लगाया गया मंडी सचिव पर। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।